चलो तो करंट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चीज यही थी हमारे पास। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है। इक्विवेलेंट बैटरी सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पैरेलल के लिए करा था हमने, पैरेलल के लिए करा था हमने। सीरीज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना भाई? चलो ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हैं। हाँ खोल रखे हैं मैंने, कोई बात नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ये देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो जरा, मान लो कि देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल किसने मुझे ऐसा एक अरेंजमेंट करके दे दिया, एक बैटरी दे दी E1 बराबर 4 वोल्ट। अच्छा ऐसा है कि मैं जो फोकस कर रहा हूं, मेरा फोकस अब इसके एप्लीकेशन पर है। प्रूफ ट्राई करा कुछ लोगों ने एनसीईआरटी से? क्या एनसीईआरटी से प्रूफ ट्राई करा कि नहीं करा? हेलो, तो मेरा फोकस इज नाउ ऑन एप्लीकेशन पार्ट। मैं तो एप्लीकेशन पर ज्यादा ध्यान दूंगा, बिल्कुल। वो यूज कैसे करना है उस पर ध्यान ज्यादा देंगे हम, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करने का एक तरीका है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देते हुए चलते हैं हम। चलो देखो, ये 4 वोल्ट दे दी, ये एक रेजिस्टेंस दे दिया R1 बराबर 2 ओम का, ये एक और बैटरी दे दी, ये बैटरी दे दी 3 वोल्ट की, और इसका रेजिस्टेंस दे दिया R2 बराबर 1 ओम। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने यहां पर, ये A और B पॉइंट्स, अभी A और B ऐसे देने का मतलब ये है कि भाई इसके अक्रॉस कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो अक्रॉस ए बी क्या निकाल रहा हूं, इक्वल बैटरी निकाल रहा हूं। ऐसा नहीं कि वो खाली पड़ा है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। ये पूरा अपने आप में कोई सर्किट होगा, दिस इज गोइंग टू बी सम अदर पार्ट ऑफ सर्किट। तो हम तो क्या निकाल रहे हैं, हम तो निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट बैटरी, हम तो निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट बैटरी अक्रॉस ए बी, बस उस ए बी पोर्शन के अक्रॉस मुझे तो इक्विवेलेंट चाहिए। तो बताओ अभी क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट बैटरी का? इक्विवेलेंट बैटरी का फॉर्मूला क्या है? ई इक्विवेलेंट बराबर E1 बाय R1 पढ़ा था हमने। अच्छा यहां पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, देखो जरा एक बार बताओ, यहां जो दोनों बैटरीज हैं, यहाँ जो दोनों बैटरीज हैं, इनकी पोलरिटी सेम है अपोजिट है? ये देखो, जब हमने ये चीज लिखी थी, ये देखो दोनों बैटरी की पोलरिटी क्या है, सेम है। दोनों बैटरीज की पोलरिटी क्या चल रही है, देखो जरा, सेम चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास पोलरिटी जो है वो सेम है अपोजिट है? क्या आ रही है? अपोजिट आ रही है। तो क्या कह रहा है, ई इक्विवेलेंट, तो पोलरिटी, तो बैटरी पोलरिटीज क्या चल रही है, अपोजिट चल रही है। तो बैटरी पोलरिटी आर अपोजिट, तो इक्विवेलेंट क्या लिखूं, किसको पॉजिटिव मानूं, एक बार बताओ। चलो, या किसी को भी मान लूं, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं काम कर रहा हूं, लेट, तो मैंने क्या मान लिया, लेट E1 वाले को मैंने पॉजिटिव मान लिया, लेट E1 वाले को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो इक्विवेलेंट क्या बना, इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी आपके पास E1 बाय R1 माइनस का E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो क्या आ रहा है, ये E1 बाय R1, ये बना आपके पास 4 बाय 2 माइनस
3/1 अपॉन 1/1 प्लस 1/2, तो क्या 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 वैल्यू आ रही इक्विवेलेंट की? इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? इक्विवेलेंट आ गया 4/2 माइनस का 3, ये ऊपर आया -1, नीचे आ रहा है 3/2, यानी कि -2/3 वोल्ट। क्या मतलब -2/3 वोल्ट का? व्हाट डू यू मीन बाय -2/3 वोल्ट? कि वो जो इक्विवेलेंट बैटरी लगने वाली है आपके पास, वो जो इक्विवेलेंट बैटरी आप लगाने वाले हैं, बिल्कुल, तो ये तो आपके पास ए एंड बी पॉइंट्स हो गए। हाँ भाई, वो बैटरी क्या लगेगी? अपोजिट टू ई वन। पोलरिटी क्या होगी? अपोजिट टू ई वन आ रही है। तो कैसे लगेगी ये बैटरी आपके पास? अपोजिट टू ई वन का मतलब कैसे लगेगी ये बैटरी? तो ई टू की तरह से लगेगी। तो ये बैटरी आपके पास इस तरह से, ई इक्विवेलेंट बराबर 2/3 वोल्ट, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? भी आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है पर 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना चल रहा है? 1 प्लस 1/2। सो आर इक्विवेलेंट इज व्हाट? 2/3 ओम्स। ये बन गया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/3 ओम्स। सर्किट में करंट कितना है? सर्किट में करंट कितना है? 1 एम्पियर आएगा क्या? सर्किट में करंट 1 एम्पियर आएगा क्या? सर्किट में करंट कितना? 1 एम्पियर आएगा क्या? कितना 1 एम्पियर आएगा क्या सर्किट में करंट? गए। हाँ बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ, अरे कैसे आएगा 1 एम्पियर? यहाँ क्या है तो पता ही नहीं आपको। फिर करंट कैसे लिख दोगे 1 एम्पियर? फंस गए हैं। पहले ए बी पार्ट तो बताओ। ए बी पे क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि कोई बैटरी है कि वहां पर क्या है? हाँ यार, कमाल करते हो। फिर वो ए बी ब्रांच में भी कुछ तो होगा ना, हमें पता थोड़ा ना वहां पर क्या दिख रहा है हमको। ठीक है, चलो क्लियर। बढ़िया, आगे से स्क्रीनशॉट वन। तो ये इसका बन गया इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज दी इक्विवेलेंट सर्किट। स्क्रीनशॉट वन। चलो नेक्स्ट बोलो भाई। पढ़े आगे, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। याद है हमने दो सवाल करे थे? एक पे मैंने लगाए थे *1 *2, *2 वाली प्रॉब्लम। तो ये सर्किट बनाया था हमने, ये 2 ओम, 3 वोल्ट, ये था 2 ओम्स, ये 4 ओम्स, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम्स, ये 6 वोल्ट, ध्यान आ गया क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन ध्यान आ गया? तो पहली बात तो एक बात बताओ जरा, इसको रीड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, इसको रीड्रॉ। तो क्या मैं इसको ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ क्या, बताओ जरा मुझको पहले। तो ये 4 ओम कर दूँ,
इसको 4 ओम कर दूं, ये बैटरी लगा दूं 3 वोल्ट की। ये ऑलरेडी 4 ओम चल रहा है, 6 वोल्ट, और ये भी दो और दो सीरीज में ही है, ये दो और दो भी सीरीज में है, तो ये भी एक साथ आ सकते हैं 4 ओम्स। अब सोच के देखो, जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालना है, सपोज करो मुझे 3 वोल्ट की ब्रांच में करंट निकालना है, मुझे 3 वोल्ट की ब्रांच में करंट निकालना है, तो मैं किसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालू, मैं किसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालू, वो ए और बी पॉइंट यहां लेता हूं मैं, तो इनके अक्रॉस क्या निकाल लेता हूं मैं, ये इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। हेलो, सोच के देखो जल्दी बोलो, तीनों ब्रांच एक साथ नहीं छोड़ेंगे, तीनों ब्रांच छोड़ना छोड़ दो, सुबह छेड़ोगे एक साथ, तीनों का इक्विवेलेंट नहीं आएगा, क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो किसके क्रॉस निकालोगे, तीनों का एक साथ थोड़ा निकलेगा, इन दो का निकाल दो, क्या है इन दो का जरा बताना तो फटाफट से, तो इस पोर्शन का इक्विवेलेंट निकाल दो, तो इस पोर्शन का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपके पास, तो करंट कौन सा वाला इंटेक्ट रहेगा आपके पास, आपका कौन सा करंट आ जाएगा, आपका ये वाला करंट आ जाएगा, इसको मैं I1 कह देता हूं, तो ये I1 करंट आपके पास, हमने I1 वैसे यूं माना हुआ था वहां पे, मुझे याद है हमने I1 करंट ऐसे मान रखा था, ये I1 जो इस बैटरी में से जा रहा है, I1 याद है, I1 माना था इस तरह से। हाँ भी कितना आएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बनेगा कितना, 6/4, उसका 6/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/4, कितना बन गया 6 वोल्ट। ठीक है, एंड आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/4 प्लस 1/4, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम्स, नहीं 4 ओम्स, 4 ओम्स आएगा क्या, 2 ओम्स आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है 2 ओम्स, तो देखो जरा इक्विवेलेंट, अगर दोनों बैटरीज क्या है आपके पास सेम है, ये दोनों बैटरीज के आइडेंटिकल है क्या, क्या दोनों बैटरीज बिल्कुल आइडेंटिकल है क्या, देख लो ईएमएफ क्या आती है, बिल्कुल सेम आ जाती है, आइडेंटिकल बैटरीज की ईएमएफ क्या आ रही है, इक्विवेलेंट सेम आ रही है, लेकिन आर चेंज हो गया, तो क्या दिख रहा है आपको सर्किट, अब तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या दिख रहा है आपको, इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिखेगा, क्या दिखेगा इक्विवेलेंट सर्किट में, ये वाली ब्रांच तो छोड़ो मत, ये ब्रांच है छोड़ दो, 4 ओम, 3 वोल्ट, ये एबी पॉइंट्स, और क्या दिख रहा है हमें यहां पर, ये बैटरी दिख रही है एक, जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये हो गया 6 वोल्ट। हाँ भाई, तो जरा बताना, तो ये करंट I1 अब तो बहुत आसानी से आ गया, I1 करंट कितना आ रहा है, I1 तो I1 कितना दिख रहा है, I1 दिख रहा है हमें 6 -3/4+2, देखो कितना आ गया 0.5 एम्पियर, अरे आ गया क्या फट से आंसर, ये देखो जरा आ गया क्या तुरंत आंसर, हेलो, अरे हो गया मेथड शॉर्ट, केसीएल की जरूरत पड़ी क्या हमको, केसीएल केबल की जरूरत पड़ी क्या भाई, बस क्या लगा दिया हमने, इक्विवेलेंट बैटरी लगा दी, बट इक्विवेलेंट बैटरी का भी प्रूफ तो कहां से आया, इक्विवेलेंट बैटरी का प्रूफ तो कहां से आया, इक्विवेलेंट बैटरी का प्रूफ तो कहां से आया, आया तो वो केसीएल की वीएल से ही गई। अच्छा अब जरा देखो, ये I1 आ गया, ये I1 आ गया, अगर आपके पास ये, अगर I1 आपके पास आ गया, तो I2 I3 तो बहुत आसान है, क्योंकि सिमिट्री बता रही है कि I2 और I3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, और क्या होंगे, 0.5/2 इक्वल्स टू 0.25 एम्पेयर, ये सारे करंट याद करो, यही क्वेश्चन पे क्या था हमने, स्क्रीनशॉट 1 स्क्रीनशॉट 2 ले लें,
है, बट अब देख लो इक्विलेटरल आते कितना फास्ट हो रहा है सवाल, बस दोनों के इक्विवेलेंट निकाला खत्म। स्क्रीनशॉट 3 ले लें। अच्छा एक और चीज मान लो कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, और मान लो जो लास्ट वाली ब्रांच थी कौन सी, ये 2 ओम, ये कहते 2 ओम, ये बैटरी दे रखी है आपको 6 वोल्ट, ये भी 2 ओम, मान लो तो कहता मुझे इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप तो इन 2 पॉइंट्स को बोलते हैं पी क्यू पॉइंट। और अब क्या करते हैं हम, इन दोनों पार्ट्स का इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। यहां क्या करते हैं हम, ये P और Q के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट कौन सा करंट मिल जाता, मान लो वो यहां पर एक एमीटर लगा के पूछता, यहां पर एक एमीटर लगा हुआ होता और कहता है मुझे तो इस ब्रांच में करंट बताओ, इस ब्रांच में करंट बताओ। अब क्या निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट बैटरी अक्रॉस पी क्यू कर लेते हैं। क्या करती है इक्विवेलेंट बैटरी अक्रॉस पी क्यू, अरे हाँ क्या ना, हेलो ठीक है, वरना वरना ये भी तो ठीक है, इधर की तरफ आ गया, यहाँ एक ब्रांच में आ चुका है तो बाकी 2 में तो कॉमन सेंस बता ही रहा है कि सेम होगा, बाकी 2 में कॉमन सेंस बता रहा है कि सेम होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जैसे मर्जी करना चाहो, स्क्रीनशॉट 2 स्क्रीनशॉट 3, बट बेस्ट तो ये होता है कि आप तो मतलब एक ब्रांच में इक्विवेलेंट से निकाल लो, बाकी में कॉमन सेंस लगा लो, तो इस ब्रांच में तो इक्विवेलेंट से आ गया, बाकी दोनों ब्रांचेस आइडेंटिकल हैं, उसको वैसे ही, उसके बाद तो केसीएल भी लगा सकते हो आप भाई, I1 फाइंड करने का तो आप केसीएल भी लगा सकते हो, क्या दिक्कत है। ये I1 आ गया तो इस ब्रांच में करंट निकालना तो बहुत आसान हो गया ना, ये वाला पार्ट आ गया तो इस ब्रांच में करंट निकालना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। ठीक है भाई ओके, ये आज आपके ऑलमोस्ट सर्किट्स के जितने तरीके हैं ना वो सब हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मेथड इज नोडल मेथड, नेक्स्ट मेथड इज योर नोडल मेथड। हाँ नूडल्स स्क्रीनशॉट 3 लेंगे। एक और क्वेश्चन आपके पास आता है वो भी जरा दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट 3 ले लो, ले लो। देखो जरा ले लो, एक और क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो भी जरा हम ले लेते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, देखो भाई ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, देखो इस तरह से करते हैं अरेंजमेंट, क्या बोलेगा ऐसे, ई आर टी आर, ऐसे एम सेल्स दे दिए विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले एम सेल्स, ये सब तो किसमें हो गए, एम सेल्स तो किसमें हो गए आपके पास, इन सीरीज दिख रहे हैं, ये सब तो ये दिख रहे हैं इन सीरीज। और ऐसी आपको दे दी एन रोज, ऐसी दे दी एन रोज, और ये आपको दिखा रखा है कंप्लीट सर्किट।
हाँ भाई, वो कहता है इसमें करंट बताओ, इसमें बताओ करंट आई, तो क्या करेंगे अभी, इस ब्रांच को मत छेड़ो, ए बी ब्रांच को तो पकड़ लो, बाकी का इक्विवेलेंट निकाल, तो कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट, तो ये तो सब सीरीज में है ऊपर के, तो ये क्या बना आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बना, तो ए बी ब्रांच को तो छोड़ दो, तो ए बी ब्रांच ठीक है, ये कितने बनाएगा, ये एक एक सीरीज में जितना है वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास एम सेल्स हैं, तो ये बन गया एम ई, और ये क्या बन गया एम आर, और ऐसे कितने सेल्स लग रहे हैं, ऐसे कितने सेल्स एन रोज, ये किसमें है सारे के सारे पैरेलल, ये सारे सारे पैरेलल में, तो जरा बताओ भाई, तो क्या दिखेगा हमको, ये दिखा ए, ये आर, ये बी, अच्छा सारे पैरेलल में है, सारी बैटरी सेम है, सारी आइडेंटिकल बैटरीज हैं, एन रोज विद आइडेंटिकल बैटरीज, तो आइडेंटिकल बैटरीज, तो इनका इक्विवेलेंट तो कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट तो आ जाएगा एम ई, और आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा, आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट, इजी क्वेश्चन कितना आएगा, ये आएगा 1 बाय एम आर प्लस 1 बाय एम आर, कितनी टर्म्स ऐसी, एन टर्म्स, ये क्या बनेगा, बनेगा एन बाई एम आर, तो क्या बन गया अभी फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर बन गया इक्विवेलेंट तो दिख रहा है आपको एम ई, और ये आ गया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना एम आर अपॉन एन, खत्म, ठीक है भाई, अरे हो जाएगा क्या सॉल्व, कर लेंगे, नीरज राज क्या लिखा है आपने, नीरज राज क्या लिखा है आपने, ठीक है, तो ये तो सब सीरीज में हो गए, ये एम सेल्सो किसमें हो गए, ये एम सेल्सो किसमें चल रहे हैं, ये सब तो इन सीरीज चल रहे हैं, दिस इज योर स्क्रीन शॉट 4, ये सब एन रोज क्या हो गई, पैरेलल हो गई, स्क्रीन शॉट 5, चलो बढ़े आगे, ठीक है, तो आपके पास ये सब दो ट्रिगेट ट्रिक्स आप सीख चुके हो, एक तो आर इक्विवेलेंट सीख चुके हो, एक आप सीख चुके हो क्या चीज, स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ ले लो यार स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट 4, स्क्रीनशॉट 5, तो ये दो ट्रिक्स तो हमने सीख ली, आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट, ठीक ना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है वरना सर्किट सॉल्विंग में काम आती है, अब क्या है देखो जरा,
मल्टी लूप सर्किट। सॉल्विंग में एक तो आर इक्विवेलेंट फास्ट तरीका है, एक ये इक्विवेलेंट फास्ट तरीका है, और एक अब आपके पास नया मेथड आता है नोडल। क्या होता है ये नोडल? इसको कहते हैं नोडल मेथड और पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ऑल्सो नोन एज नोडल मेथड या फिर पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या पॉइंट पे पोटेंशियल मार्क करना मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखाया था क्या? स्टार्टिंग से बोलता हुआ चल रहा हूं कि देखो पॉइंट्स पे आप मार्क कर रहे हो, पॉइंट्स मार्क कर रहे हो, पॉइंट्स मार्क कर रहे हो, स्टार्टिंग से बोलता हुआ चल रहा हूं। आप पता है ये कोई नई चीज नहीं, इट इज नॉट समथिंग न्यू, इट इज जस्ट अनदर वे, दिस इज जस्ट अनदर वे टू अनदर वे टू अप्लाई केसीएल, और कुछ भी नहीं है ये, जस्ट अनदर वे, अनदर वे टू अप्लाई केसीएल विच मे बी फास्टर इन सम केसेस, मे बी फास्टर इन सम केसेस और सर्किट्स। ठीक है भाई, तो ये आपको याद, तो मैं बहुत टाइम से कहता हूँ चल रहा हूँ पॉइंट मार्किंग पे ध्यान दो, पॉइंट मार्किंग पर ध्यान दो। ध्यान है? किसी ने हॉकी फुटबॉल का मैच देखा है कभी? हॉकी फुटबॉल मैच देखा है कभी? चड्डे इंडिया मूवी देखी थी, एक इंडिया की एक मूवी थी शाहरुख खान की, चड्डे इंडिया। इसमें एक तरीका होता है मैन टू मैन मार्किंग, होता है तरीका मैन टू मैन मार्किंग, हर जना एक अपना अपना आदमी पकड़ लेता है, हर जना अपना अपना एक आदमी पकड़ लेता है उसके प्लेयर को कवर करते हुए, बस वैसा ही कुछ पॉइंट मार्किंग है, वैसा ही कुछ पॉइंट मार्किंग है। उस सर्किट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, उस सर्किट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है और उनको क्या करना है, मार्क करना है। देखो जरा कैसे वर्क करता है, देखो जरा समझना कैसे वर्क करता है ये देखो जरा कैसे वर्क करता है ये देखना। हाँ बिल्कुल, देखो जरा दिखा रहा हूं कि क्या है ये, अनदर वे क्या है ये। देखो एक बात बताऊं तुमको, मान लो ये पॉइंट दे दिया कोई ए पॉइंट, ठीक है, ये मैंने कोई रेजिस्टेंस दिखा रखा है आर, ये कोई बैटरी लग रही है ई, दूसरा पॉइंट आ गया बी, यहां से मान लो करंट दिख रहा है कोई आई। मैं आपसे सिंपली पूछता हूँ वीबीए बताओ, व्हाट इज वीबीए? वीबीए मतलब वीबी माइनस वीए, कहां से कहां ट्रेवल करेंगे हम, कहां से कहां ट्रेवल करेंगे हम, ए टू बी, क्या आएगी वैल्यू जल्दी बताएं, बताओ भी कितना आएगा वीबीए। चलो भी ए टू बी चलते हैं, हेलो बोलो भी, एबीए कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है आपके पास कितना, ये आया आपके पास माइनस का आई आर प्लस का ई। पक्का? इसका मतलब एक बात बताओ, इसका मतलब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से आई लिखता हूं तो आई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? देखो जरा आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है ई माइनस वी बी प्लस वी ए अपॉन आर। लिख सकते हैं क्या? देखो जरा आई की वैल्यू,
हैं क्या? पक्का? देखो काम करो, एक जरा इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करते हैं, इसे सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। देखो यहां से यहां भी रीअरेंज करा, फिर से रीअरेंज कर रहा हूं बस। देखो कैसे रीअरेंज करेंगे, कैसे रीअरेंज करेंगे, आपका आपने करंट यू माना है ना, आपने करंट ऐसे माना है ना, तो एक काम करो आप, एक तरह से ये देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो रीअरेंज करके आई बराबर वी ए प्लस का ई माइनस का वी बी अपॉन आर। जरा स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट 5 स्क्रीन शॉट 6 ले लो, ये एक बार जरा स्क्रीन शॉट 6 ले लें। ये देखो जरा आप समझना क्या हो रहा है, देखो ये क्या हमें ये वीबीए लिखना आता है कि नहीं आता, पहली बात क्या ये वीबीए लिखना आता है कि नहीं आता। हेलो, तो ये वीबीए लिखा मैंने, ये आ गया, ये मैंने आई लिख दिया, आप देख रहे हो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं, आई लिख रहा हूं। देखो इसको यूज करके दिखाता हूं, देखो इसको यूज करके दिखाता हूं, देखो इसका यूज देखना। मान लो कि मुझे किसने पॉइंट दे रखा है वी ए बराबर, ये पॉइंट दे दिया वी ए बराबर 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस दे दिया मान लो 2 ओम, ये कोई एक बैटरी दे दी ई बराबर 5 वोल्ट 4 वोल्ट, ये पॉइंट दे दिया वी बी बराबर 2 वोल्ट 6 वोल्ट। ओके, ये कहता है मुझे इस ब्रांच में करंट बताओ, क्वेश्चन आ रहा है मुझे इस ब्रांच में करंट बताएं, मुझे इस ब्रांच में क्या बताएं, करंट बताएं। देखो जरा ढंग से क्या करना है, आपने ये करंट एज्यूम करा, इस आई को एज्यूम कर लिया और जैसा एज्यूम करा उसके साथ चले, उसके साथ ही चले, जैसा एज्यूम करा है उसके साथ कौन चला, आप चले। आप चल रहे हो उसके साथ साथ, ठीक है। जरा ध्यान दो, देखो आई कितना आ रहा है, देखो आई कितना आ रहा है, आई बराबर, ठीक है देखना है रहा, ये देखो आई बराबर, सबसे पहले कौन सा पॉइंट आया, सबसे पहले कौन सा पॉइंट आया, तो स्टेप बाय स्टेप देखो स्टेप्स क्या हैं, देखो स्टेप्स क्या चल रहे हैं, आई के साथ चल रहे हो, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास वी ए लिख दो, फिर क्या है देखो एक बैटरी, एक बैटरी आई, इस बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहे हो, इस बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहे हो, बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहे हो, प्लस ई, तो वी ए प्लस ई, तो वी ए की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो सीधा वी ए की वैल्यू ये चलो बाद में डाल देंगे कोई बात नहीं, तो वी ए प्लस ई, फिर कहाँ पहुंचे वी बी पे पहुंचे, तो ये क्या आया आपके पास, सेकेंड पॉइंट आया प्लस का ई, और तीसरा पॉइंट कहाँ पहुंचे वीबी पे, फाइनल पॉइंट पे पहुंचे, तो वो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, सिर्फ तरीका है अपॉन रेजिस्टेंस कितना है अपॉन आर, देखो जरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 10 प्लस 4 माइनस का 6 अपॉन 2, क्या आंसर आ गया 14 14 माइनस 6 8 8 बाय 2 4 एम्पियर, क्या करंट आ गया देखो जरा, ये करंट आ गया आपके पास 4 एम्पियर।
देख रहे हो, यही तो कर रहे हो, तो सिर्फ आपने सन से समझो तो क्या करा। अरे वही केसीएल, ये हम लिखते थे पोटेंशियल डिफरेंस, वो लिखा, उसको सिर्फ क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया है, और कुछ भी नहीं करा। मुझे यूं करंट मिलता है, अब मुझे बहुत फास्ट वे में क्या मिलने लग जाता है, करंट मिलने लग जाता है। देख लो एक बार, चीज को समझ लो अच्छे से, चीज को अच्छे से समझ लो। कर रहे हैं तब सवाल पर आ रहे हैं, बात को समझो पहले। समझ में आया आई निकालने का तरीका? ए से चालू हुए तो वी ए पोटेंशियल, बैटरी क्रॉस करी उसका प्लस ई फाइनल पॉइंट। तो इसमें क्या हो रहा है, ए से बी, आप जब जा रहे हो तो आप जा रहे हो ए से बी बेसिकली, तो ए से बी आप मूव कर रहे हो, तो ये ए पॉइंट तो ये तो क्या बन गया आपके पास, ये ए वाला पॉइंट तो क्या बन गया इनिशियल, और वो बी वाला पॉइंट जो है वो क्या बन गया आपके पास फाइनल। ठीक ना भाई, बिल्कुल आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं बेटा, समझे क्या? नोडल, ये नोडल में क्या हो रहा है, ए और बी पॉइंट पे आपने क्या दिखाए थे, पोटेंशियल्स दिखाए थे। देखो स्क्रीनशॉट 6 था, ये स्क्रीनशॉट 7 ले लें, मेरा स्क्रीनशॉट 7 ले लें, दिखा रहा हूँ यूज दिखा रहा हूँ अभी। और मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जो लिखा है उसमें कोई डाउट है क्या, जो लिखा उसमें कोई डाउट? भाई ये लिखते ही हम बीबीए, तो सिर्फ आई को रीअरेंज करा, इन टर्म्स को सिर्फ रीअरेंज कर दिया और फिर उसको यूज कर लिया, स्क्रीनशॉट 7 स्क्रीनशॉट 8, और फिर उनको क्या कर लिया हमने, यूज कर लिया ऐसे कैसे। ठीक है चलो, देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ दिखाता हूँ, ये देखो जरा कैसे यूज आएगी ये चीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये देखना जरा, ये कोई रेजिस्टेंस दे दिया R1, ये कोई बैटरी दिख रही है E, ये पॉइंट दिख रहा है R2, ठीक है R1 R2। अब क्या है, ये मान लो इस पॉइंट पे दिखा रखा है VX, इस पॉइंट पे दिखा रखा है VY, और मेरे पास यहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मुझे नहीं पता यहां पर क्या आ रहा है, सम कॉम्प्लेक्स सर्किट, लेकिन मुझे यहां VX और VY दे दिया और वो कह रहा है करंट बता दो मुझे, तो ये I करंट बता दो। चलो ये आई बटन बता दो बस मुझे, तो कैसे लिखें इस आई को, जल्दी बताओ ये आई कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे आई को, कहां से चलना चालू करूं, कहां से चलना चालू करूं, आई के साथ चलना है मुझे, तो आई के साथ चलने का मतलब क्या हुआ, एक्स से वाई जा रहा हूं मैं, तो एक्स से वाई की तरफ, यही करंट मान रखा है आपने, करंट का डायरेक्शन यही मान रखा है आपने, तो क्या लिखूं, ये देखो आई से चले तो ये लगा वी एक्स, बैटरी क्रॉस कर रहा हूं, बैटरी क्रॉस कर रहा हूं, कैसे क्रॉस कर रहा हूं बैटरी, अरे बैटरी देखो कैसे क्रॉस हो रही है, ईएमएफ के अपोजिट क्रॉस हो रही है, तो क्या लिखूंगा माइनस का ई, फिर ये वी वाई पर पहुंचे फाइनल पॉइंट, ये क्या है, ये आया माइनस का वी वाई अपॉन कितना आ गया अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा मान लो इफ ये जो आई निकाला ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इफ आई नेगेटिव दिस इंप्लाइज व्हाट, डायरेक्शन एज्यूम्ड इज अपोजिट, डायरेक्शन एज्यूम्ड इज अपोजिट, बस दैट्स इट, खत्म। मैं ही टूट तभी भी क्या रहेगा, मैं ही टूट तभी भी क्या रहेगा, सोच के देखो, मैं ही टूट तभी भी क्या आने वाला है, सेम ही तो आने वाला है, मैग्नीट्यूड में क्या फर्क पड़ने वाला है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ेगा क्या, जल्दी बताओ। अरे समझ में आ रही है चीज, अब दिखाता हूं इसके यूज, कितना फास्ट वर्क करता है ये कुछ सिस्टम्स के अंदर। स्क्रीनशॉट 8 स्क्रीनशॉट 9, दिस अप्रोच इज वेरी फास्ट,
सम केसेस। देखो यार क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको अब। ये देखो ठीक है, ये देखना क्वेश्चन जरा। आपकी शीट में भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, शीट सिमिलर क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन देखना। इसलिए तो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा आज, क्योंकि अब जो आपके पास अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ अब आपको क्या करना है। देखो मैं बता रहा हूँ डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा। ये जो सारे मेथड्स आपने देखे हैं ना, आपको पता है क्या करना है एक्चुअली में। तो चलो कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ। ये जो अलग अलग मेथड्स आप देख रहे हो, तो ये जो होमवर्क हमें टिल नाउ मिला है, ठीक है ना भाई, होमवर्क टिल नाउ प्लस जो और मिलने वाला है, प्लस जो और मिलने वाला है, वहां पे क्या करोगे, अलग अलग मेथड से क्या करोगे, ट्राई करोगे, समझ रहे हो। अब ये आपको जज करना है कि कौन सा मैटर कहां पर, कौन सा वाला कहां पर बेटर है, कौन सा वाला होमवर्क टिल नाउ। आपकी मर्जी है भाई, करना चाहोगे तो जितना कराए उतना फायदे में रहोगे। तो ट्राई विद डिफरेंट मेथड्स, ट्राई विद डिफरेंट मेथड्स। अरे तभी तो समझ में आता है कि कौन सी चीज कहाँ हेल्पफुल है। ठीक है भाई, अब तक तो मैंने क्या कहा था, मैंने अब तक क्या कहा था, सिर्फ केसीएल यूज करना है, ये कहा था मैंने कि सिर्फ और ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई मेरे लिए। तो मुझे किसी टीचर ने ये गाइड करा होता ना कि अच्छा सर ऐसे पढ़ना था, हाँ मैं तो इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि जो पढ़ा उसको यूज कैसे करना है। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, सिर्फ क्या यूज करना है, क्या यूज करना सिखाया मैंने आपको, केसीएल केवीएल। और अभी भी जेई एडवांस के 90% सवाल केसीएल केवीएल से सॉल्व होते हैं, ये कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होते। ये सारे मेथड तो क्या है कि जो क्वेश्चन हमसे कोचिंग वगैरह में पूछे जाते हैं ना, वहां पर अप्लाई होते हैं। जेई एडवांस तो आज भी केसीएल केवीएल पे बेस्ड है। चलो देखो जरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये लो। हाँ ट्राई करो और क्या, बहुत सारे डाउट्स में हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारे डाउट्स में हेल्प मिल जाएगी। ये पॉइंट दिखा रखा है आपको +10 वोल्ट। क्वेश्चन आएगा करंट इन ईच ब्रांच बताना है, क्वेश्चन आएगा करंट इन ईच ब्रांच। अभी क्या करें, तो मैंने लिख दिया ना, क्या करें, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ एक्स मान लेते हैं। चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ एक्स मान लेते हैं। अब लगा दो जंक्शन रूल, तो कैसे सॉल्व करना है, जंक्शन रूल क्या है, I1 + I2 + I3 + I4 = कितना, 0। बोलो भाई I1 कितना,
जल्दी बोलो I1 कितना लगाऊं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज वाली, इसके बाद में आपके ऑलमोस्ट सर्किट सभी तरह के सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बोलो I1 कितना लगाऊं? अच्छा ये जो पोटेंशियल्स है, गिवन पोटेंशियल्स है आपको, ये गिवन पोटेंशियल्स दे रखे हैं आपको, अब दे रखे हैं तो क्या करें, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है उसमें दे रखे हैं, मेरे को तो अप्लाई करना है। जल्दी बोलो भाई I1 कितना लिखूं, फटाफट बोलो I1 कितना। I1 आया, देखो I1 यूं आ रहा है, I1 के साथ चल रहे हैं, तो पहले कौन सा पॉइंट, जल्दी बोलो I1 कैसे लिखना है। अरे I1 बताओ ना यार, 10 वोल्ट से चालू हुए तो 10 वोल्ट बैटरी क्रॉस कर रहे हैं, +20, फिर ये क्या करूं, माइनस का एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना आया 1, ये I1 प्लस I2 कितना, जल्दी बोलो I2, I2 कितना बना, I2 बनेगा आपके पास 20 बैटरी क्रॉस करी प्लस का 15 माइनस का एक्स अपॉन 2। I3 देखो भाई, I3 कितना बना, हाँ भाई I3 कितना बन रहा है, I3 बन रहा है -50, बैटरी क्रॉस कर रहे हो +5 अपॉन, नहीं माइनस का एक्स अपॉन 2। I4 कितना बन रहा है, I4 बन रहा है आपके पास माइनस का 30, बैटरी कोई है नहीं, माइनस का एक्स अपॉन 1। क्या फाइंड हो गया, फट से क्या निकल जाएगा यहां से, एक इक्वेशन है क्या निकाल लो, एक ही तो इक्वेशन है क्या निकाल लो, एक्स नहीं, जल्दी बताओ एक्स कितना आ रहा है, फटाफट बताओ एक्स कितना आ गया, बताओ भी एक्स कितना है, तो एक्स की वैल्यू बताओ ना इतनी देर में, तो बोलो भी एक्स कितना, कितना रहा है एक्स, नीरज का सही आया आंसर, और कोई, और कोई, एक्स का आंसर है -5/3 वोल्ट, आ गया कुछ लोगों का सही आंसर, एक्स इज -5/3 वोल्ट, एक्स आ गया। अब तो सारे करंट जा जाएंगे, I1 I2 वगैरह वगैरह सब निकाल सकते हैं अब हम। अरे आया क्या समझ में, कितना फास्ट वर्क करता है ये स्क्रीन शॉट 10, बट डिपेंड करता है सर्किट पे, ऑल डिपेंड्स ऑन सर्किट, ये हमें जज करना है एक्सपीरियंस से कि कहां पर कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, कहां पर कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, ये हमें जज करना है। ओके कर लेंगे, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, हाँ ये देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट 10, ठीक है लो देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा एक मिनट, एक और एग्जांपल के अलावा पहले सिमिलर चीज, बिल्कुल सिमिलर मेथड्स आप यूज करेंगे। अगला टॉपिक, अगला चैप्टर ध्यान है किसी को, क्या है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का एक पार्ट है कंडक्शन, हीट ट्रांसफर का एक पार्ट है कंडक्शन, तीन तरह से होता है हीट ट्रांसफर, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। देखो जरा कंडक्शन का सवाल दिखा दूं आपको, ये देखो कंडक्शन का सवाल दिखाऊं, देखो क्या होगा, ये ऐसे तीन रॉड्स बना देंगे, तीन या चार दे देंगे एक ही बात है,
यहाँ टेम्परेचर दे दिया कुछ 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर दे दिया कुछ 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर दे दिया कुछ 40 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछेगा वो? वो पूछेगा टेम्परेचर एट जंक्शन बताओ। अच्छा पता है इनमें भी क्या होता है, इनमें भी एक रेजिस्टेंस होता है एक तरह का, इनमें भी एक रेजिस्टेंस होता है R1 R2 R3। हाँ भाई क्या लॉजिक लगने वाला है? हीट फ्लो दिखा दो, यहां पर ऐसे हीट फ्लो H1, ये हीट फ्लो H2, ये हीट फ्लो H3। हाँ भी जल्दी बताओ, लग गया क्या नोडल? क्या इक्वेशन? H1 + H2 + H3 कितना कर दू? 0। जल्दी बोलो H1 कितना लिखू, फटाफट बोलो H1 कितना लिखू, H1 कितना, जल्दी बोलो H1 कितना। H1 बनेगा T1 - TJ / R1। वो R1 क्या है वो हम तब सीख लेंगे, वो R1 क्या चीज है वो हम तब सीख लेंगे, बट एग्जैक्टली सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। प्लस T2 - TJ / R2 प्लस T3 - TJ / R3 = 0। क्या ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी क्या, कि करंट वाले टॉपिक में, करंट में मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो काम पोटेंशियल डिफरेंस करता है डेल्टा वी, हीट में वही काम कौन करता है? टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। क्या ये चीज हमने इससे पहले कहीं सीखी थी क्या, कहीं बताया था क्या मैंने ऐसा? मेरे ख्याल से जब स्टडी स्टेट बताया तब बताया होगा शायद, जब स्टडी स्टेट पढ़ा तब बताया होगा शायद, स्टडी स्टेट में बताया होगा मेरे ख्याल से, वहीं बताया था ना ये चीज। यहां पर तो आप पढ़ते हो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां तो आप पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर आप पढ़ेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। समझ रहे हो? एग्जैक्टली सेम चीज है। तो तुम्हें क्या लगता है वहां एनालॉगी क्यों पढ़ाई गई थी? वहां एनालॉगी क्यों पढ़ाई गई थी? ताकि अगला चैप्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, आपका कवर हो जाए। स्क्रीनशॉट 11, अगला चैप्टर हमारा अपने आप ही क्या हो जाए। तो सेम चीज थोड़ा भी दोबारा पढ़ेंगे, अब तो क्वेश्चन आने की देर है। या R1 R2 R3 बता दो बस मुझको कितना होता है, लो यो आंसर निकालूंगा मैं। ठीक है भाई, बात समझ में? ओके चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जरा। चलो नेक्स्ट देखो, और कुछ क्वेश्चंस दिखा जाता हूँ। ये देखो यूजिंग नोडल, देखो नोडल यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस दिखा दूँ। चलो क्वेश्चन है, करंट इन ईच ब्रांच बताना है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच। अब सोच के देखो, क्या मैं इक्विवेलेंट बैटरी निकाल सकता हूं क्या, क्या मैं इक्विवेलेंट बैटरी निकाल सकता हूं क्या? पहले तो सोचो जरा, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकलेगा क्या यहां पर? पहले तो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड लगेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड लग सकता है क्या, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड लग सकता है क्या? मैंने बोला ना अलग अलग मेथड्स पे सोचना, नहीं लगेगा आर इक्विवेलेंट तो नहीं लग रहा क्योंकि सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा कुछ। इक्विवेलेंट लगा सकते हो, इक्विवेलेंट बैटरी लगा सकते हो। कैसे लगा लोगे? इस ब्रांच को छेड़ोगे नहीं, बाकी का निकालोगे, इस ब्रांच को नहीं छेड़ा बाकी का निकाला, समझ रहे हो? बट इनका निकाला फिर इसमें आया, फिर वापस से केसीएल लगा करके एक एक ब्रांच में निकालेंगे। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर नोडल बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्या ये सब एक ही पोटेंशियल पर हैं क्या? क्या ये सब एक ही पोटेंशियल पर हैं क्या? सोच के देखो, उसको मैं क्या एक्स बोल सकता हूं? क्योंकि यहां पर बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। करंट तो जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस क्या चल रहा है? जीरो चल रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना भाई? अच्छा, तो क्या इस सर्किट को मैं ऐसे भी रीड्रॉ कर सकता हूँ क्या? क्या इस सर्किट को मैं ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ क्या? ये देखो भाई, ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है। पक्का? हेलो, कर सकते क्या? चलो, किसी को लग रहा हो तो ये यूं भी रीड रहा हो सकता है। ये देखो, चलो यूं भी तो बना सकता हूँ, कोई फर्क पड़ जाएगा? ये देखो, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ जरा मुझको, क्या ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये भी सेम पोटेंशियल पर दिख रहे हैं क्या? ये जो बाकी के चार पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या, ये भी सेम पोटेंशियल पे दिख रहे हैं क्या? इनको वाई मान सकते हो कुछ? देखो, हर ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और लेट आप पता है क्या मान सकते हो? लेट इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल आप मान सकते हो 0 वोल्ट। क्या फर्क पड़ जाएगा? ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट। बेसिकली और कुछ नहीं, आपका ये जो एक और अननोन आता ना वाई, वो हट गया। अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, चाहे एक्स माइनस वाई लिखो चाहे एक्स माइनस जीरो लिखो, वो पीडी तो सेम रखना है आपको। तो आपको तो क्या सेम रखना है? वो पीडी तो सेम रखना है। अरे क्यों भाई, वो पीडी तो क्या रखना है? सेम रखना है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो क्या मान लिया पोटेंशियल हमने? 0 वोल्ट। क्या पोटेंशियल मान लिया हमने? 0 वोल्ट। कोई दिक्कत है क्या? अरे सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर ही तो हैं।
ठीक है, तो बेसिकली और कुछ नहीं, हमने एक तरह से इसको रेफरेंस मान लिया, हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, रेफरेंस। याद करो 0 वोल्ट का मतलब क्या होता था, रेफरेंस। तो मेरी मर्जी है ना, क्या मैं 0 वोल्ट कहीं भी मान सकता हूं क्या, क्या मैं 0 वोल्ट कहीं भी मान सकता हूं क्या, एज रेफरेंस, बस खत्म। पर ये नहीं कि कहीं पर हमें दे रखा हो हम मान लें, तो करंट इन ईच ब्रांच, तो आपने क्या करा, तो आप क्या करें, तो मार्किंग कर दो करंट की, ये करंट मान लेते हैं I1 करंट, ये मान लो I2, ये मान लें I3, ये चल रहा है I4। हाँ भी, अब क्या लगा दें, अब तो एक क्वेश्चन लगा दो सीधे सीधे, क्या एक क्वेश्चन लगा दें, I1 + I2 + I3 +I4 = 0। बोलो भी I1 कितना, जल्दी बोलो I1 कितना, देखो I1 कितना आ रहा है, X से रवाना हुए बैटरी को कैसे क्रॉस कर रहे हो, जल्दी बताओ, ये I1 में बैटरी कैसे क्रॉस कर रहे हो, I1 में बैटरी कैसे क्रॉस कर रहे हो, अपोजिट क्रॉस कर रहे हो, बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो क्या लिखूंगा, -4। बाद में तो 0 ही आ गया, अब यहाँ 0 आ गया, तो चाहे यहाँ पर -y लिखते या 0 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अपॉन 2। I2 कितना बना, I2 बना आपके पास x -2 अपॉन 4। I3 कितना बना, I3 बना x, बैटरी क्रॉस कर रहे हो नेगेटिव से बढ़ दो, +2 अपॉन 4। और I4 कितना बना, +I4, I4 बना x, बैटरी क्रॉस करी -4 अपॉन 2 = 0। जल्दी बताओ भी एक्स कितना आ रहा है, फटाफट बोलो एक्स की वैल्यू, बोलो भी एक्स की वैल्यू, बोलो भी एक्स कितना, बस एक्स आते तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक्स आती तो क्वेश्चन खत्म। अबे वोल्टेज है एक्स, एम्पियर थोड़ा आएगा, एक्स तो वोल्टेज है, एक्स बराबर कितना आएगा, एट बाय थ्री वोल्ट, एक्स बराबर 8/3 वोल्ट। ठीक है, फिर स्क्रीन शॉट 11, ये स्क्रीन शॉट 12, स्क्रीन शॉट 13, एक्स आ गया, तो जरा देखना, तो I1 कितना हो गया, एक्स आ गया, तो I1 कितना हो गया भाई, I1 की वैल्यू आ गई 8/3 -4/2, यानी कि 8 - 12, तो -4/6, यानी कि -2/3 एम्पियर, एंड सो ऑन। निकाल लेंगे बाकी के भी, स्क्रीनशॉट 12, स्क्रीनशॉट 13, देख कुछ समझ में आ रहा है मेथड में कि नहीं, मेथड में कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, लेवल बढ़ा दूं थोड़ा, अगले लेवल पे चलें, ये देखो जरा, चिल्ड्रंस टेक अनदर एग्जाम्पल, ये लो,
क्या ये पुराने जैसे ही है क्या बिल्कुल? क्या ये सर्किट पहले जैसे ही है क्या बिल्कुल? ऊपर के चारों पॉइंट सेम पोटेंशियल हैं क्या? ऊपर के चारों पॉइंट सेम पोटेंशियल हैं क्या? एक काम करते हैं, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं। अब जरा देखो देखो, अब ये दो तो आपके सेम पोटेंशियल हो गए, और ये दो का पोटेंशियल क्या हो गया? कुछ डिफरेंट हो गया। इसमें कितने अननोन्स आ गए आपके पास? दो अननोन्स आ गए हैं अब आपके पास। ये ग्रीन पॉइंट्स हो गए एक्स पोटेंशियल, और ये पर्पल पॉइंट्स हो गए आपके पास वाई पोटेंशियल। अच्छा, लेकिन नीचे वाले चारों जो हैं, अभी भी नीचे के जो चारों हैं वो क्या अभी भी सेम पोटेंशियल हैं क्या? सारे नीचे के चारों, तो इसको तो 0 वोल्ट मान सकते हो आप, क्या दिक्कत है? इनको तो 0 वोल्ट मान सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या करेंगे अब? बनाओ जरा इक्वेशन, देखो जरा। क्वेश्चन वही है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। क्वेश्चन सेम है, करंट इन ईच ब्रांच बताना है। तो करंट बताना है क्या? डायरेक्शन पे दिमाग लगाना है होता है क्या? डायरेक्शन पे दिमाग लगाऊं या मैं तो रैंडमली जैसे मर्जी ले लूं? डायरेक्शन में दिमाग लगाना है या रैंडमली जैसे मर्जी ले लूं? एज्यूम कर लो क्या फर्क पड़ रहा है। चलो ये वाला करंट ले लिया I1, ये ले लिया I2, ये ले लिया I3, ये ले लिया I4, ये ले लिया I5। हाँ भी, चलो बोलो। ठीक है, हेलो, ले सकते हैं करंट इन ईच ब्रांच। लिखना शुरू करो। चलो इक्वेशंस क्या लिखेंगे अब? तो पहली इक्वेशन क्या आ रही है? पहली इक्वेशन तो आ रही है I1 + x वाले पॉइंट पर। देखो x वाले पॉइंट पर इक्वेशन, देखो x पॉइंट पर इक्वेशन आ रही है I1 + I2 + I3 = 0। अरे आ रही है क्या? सॉल्व करते हो, चलो जाओ इसको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं अभी, क्या कर रीड्रॉ करना है? रीड्रॉ क्यों करना है? जो इक्वेशन लिखो आप, तो अब बस इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो I1 कितना बना? I1 देखो जरा, I1 कितना बन रहा है? I1 बन रहा है x, यहां से रवाना हुए, बैटरी क्रॉस करी x - का 4, है ना? बैटरी में जा रहे हो प्लस से माइनस, तो -का 4 अपॉन कितना आ गया? 2। अभी क्या रीड्रॉ करोगे? क्या इसमें क्या रिड्रॉ करेंगे बेटा अंश? क्या रिड्रॉ करोगे इसमें? ये तो दिख ही रहा है ना, दोनों पॉइंट एक्स एक्स। क्या कंबाइन, ये चारों पॉइंट को एक साथ रखना है? चारों पॉइंट एक साथ कनेक्ट करने हैं क्या? क्या रिड्रॉ करना चाहोगे बताओ जरा मुझको, क्या रिड्रॉ करोगे इसमें? तो ठीक है ना, फर्क क्या पड़ रहा है? तो क्या फर्क पड़ रहा है, रिड्रॉ क्यों करना है? ऐसे ही आ रहा है वो एक और एक्स्ट्रा मेहनत है। मैं ये रीड्रॉ नहीं भी करता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट्स को जोड़ दिया। अरे ये ना भी जोड़ता तो फर्क क्या पड़ रहा है? ये ना भी जोड़ता तो भी करंट तो क्या दिख रहे हैं आपको? ना भी जोड़ता तो भी ये करंट चल रहा है I1, ये चल रहा है I2, ये चल रहा है I3, ये चल रहा है I4। क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है चलो, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाता, बट टाइम भी तो बचाना है। ये तो चीजें समझनी है। I1, चलो I2 बोलो, I2 बोलो बराबर, I2 बोलो। अरे I2 बोलो यार, आंसर कैसे निकाल दिया बेटा? I2 कैसे आएगा? I2 आएगा +x - का 2/2, और I3 कितना आएगा? I3, I3 बताओ जरा, कॉमन सेंस अच्छे से I3 बताएं जरा फटाफट से। I3 कितना लिखूं केयरफुली? I3 कितना लिखूं? हाँ भी, I3 कितना? अबे x - y, x - y / 2 = 0।
ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, एक्स माइनस वाई बाय टू इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन बन गई। अब कहाँ इक्वेशन लिखे हम, अगली क्वेश्चन कहाँ लिखते हैं, वाई पॉइंट पे लिखते हैं। चलो चलो, तो लेट अस टॉक ऑन वाई पॉइंट। हाँ भाई, वाई पॉइंट पर क्या बनेगी इक्वेशन, वाई पर क्या बनेगी, जल्दी बताएं। हाँ भाई, वाई पर इक्वेशन क्या बनेगी, वाई पर इक्वेशन क्या लिखूं, आई थ्री बराबर कितना, आई फोर प्लस आई फाइव। अरे जंक्शन रूल, ये तो जंक्शन रूल आ रहे हैं ना हम सिर्फ। हाँ ना, तो बोल दो गलत है बेटा आंसर, क्यों हड़बड़ी कर रहे हो आंसर देने में, इक्वेशन तो लिखो पहले सही। हाँ भाई, आई थ्री कितना बेटा, वो सीख लो पहले, देखो कहाँ गलती करी है आपने। हाँ भाई, आई थ्री कितना लिखू, आई थ्री तो फिर से कितना आ गया, आई थ्री आ गया एक्स माइनस वाई बाय टू इक्वल्स टू। कभी कभी क्या होता है ना, हमें आंसर बहुत अच्छे दिखते हैं तो हमें लगता है सही है, पर हर चीज जो सुंदर हो जरूरी नहीं है कि सही हो। हाँ, इंटीजर इंटीजर नहीं आ रहे इसमें आंसर्स। चलो ये देखो जरा, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स आई थ्री बन गया एक्स माइनस वाई बाय टू बराबर, देखो जरा कहाँ गलती करी है आपने। अब आई फोर कितना लिखूं, जल्दी बोलो आई फोर कितना, आई फोर की वैल्यू आएगी वाई माइनस टू अपॉन टू, आई फोर आया वाई माइनस टू अपॉन टू, और आई फाइव कितना, आई फाइव कितना आया, आई फाइव आएगा प्लस का वाई माइनस जीरो अपॉन टू। अब कर लो दोनों इक्वेशन सॉल्व, अब कर लें दोनों इक्वेशन सॉल्व, जल्दी बोलो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो क्या आंसर आ रहा है। बोलो भी क्या आंसर, आ रहे हैं कि इंटीजर आंसर्स, तुम गलती नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है कोई गलती कर रहे हो तुम लोग बेटा। देखो कैलकुलेशन चेक करो जरा, हाँ ऋषभ का सही आया है। अरे क्या बेवकूफ ऐसी गलतियां कर रहे हो यार। हाँ, वाई की वैल्यू थ्री बाय टू आएगी, वही मैं कहूँ। और ये हालत देखो तुम बैच की, मतलब आठ लोगों ने आंसर दिए, आठों के आठों ने सेम गलत आंसर दिया है, समझ रहे हो आप कि बैच की हालत कितनी खराब है, जब बैच के बहुत सारे लोग एक जैसा गलत आंसर दें, इसका मतलब आपके कैलकुलेशन मिस्टेक तो बहुत ही बुरी हालत है भाई। अरे एक्स की वैल्यू आ रही है 5/2 वोल्ट एंड वाई की वैल्यू आ रही है 3/2 वोल्ट, चेक करो जरा क्या यार, ऐसी चीज में कोई गलती कर सकते हैं क्या हम। अब देखो समझना, पता है क्वेश्चन कैसा आएगा, एक तो क्वेश्चन आ गया करंट बता दो हर ब्रांच के अंदर, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सेकंड क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसा। ये जो आपको 2 ओम का दिख रहा है ना, दिस इज, ये तो ये लिख दें यहाँ पर, इसके पे मान लो एक बल्ब आया था, ये सपोज ये कोई बल्ब लग रहा है यहाँ पर, बल्ब 2 ओम का बल्ब लग रहा है, ठीक है। वो पूछेगा आपसे सीधा पावर अक्रॉस, पावर अक्रॉस बल्ब बताओ, रेजिस्टेंस कितना है उसका, 2 ओम, ये बल्ब दिखा रहा है। हाँ भाई जल्दी बताओ कैसे बताऊं, क्या पोटेंशियल दिखा सकता हूँ क्या मैं, पोटेंशियल अक्रॉस बल्ब वीबी स्क्वायर अपॉन आर, कितना आ रहा है वीबी स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है इसके अक्रॉस, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है 3/2, क्या बनेगा ये बन जाएगा आपके पास 3/2 का स्क्वायर, बेसिकली वीबी
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब, दिस इज नथिंग बट डेल्टा वी बी अक्रॉस बल्ब अपॉन आर। तो डेल्टा वी बी क्या बनेगा, डेल्टा वी बनेगा वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। डेल्टा वी बी क्या है, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन आर। क्या बन गया, बन गया 3/2 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2। आंसर क्या आ रहा है, 9/8 वॉट। अच्छा क्या यही आंसर, यही आंसर अगर मैं ऐसे करता, कौन सा करंट जा रहा है इस बल्ब में, जल्दी बताना इस बल्ब में कौन सा करंट जा रहा है, फटाफट बताओ इस बल्ब में कौन सा करंट जा रहा है। अरे नहीं आ रहे क्या आंसर्स आपके, अभी भी आंसर्स करेक्ट आ गए नहीं आ गए, एक्स बराबर 5/2 एंड 3/2, ठीक है ना। हाँ कौन सा करंट जा रहा है इसमें, I5। तो क्या बनेगी ये, क्या यही चीज I5 का स्क्वायर इंटू आर नहीं बनता, और I5 कैसे निकालेंगे, I5 कैसे आएगा भाई, I5 ये रहा आपके पास, I5 कितना चल रहा है, I5 इज वाई माइनस 0/2, I5 इज वाई माइनस 0/2 यानी कि 3/4 एम्पेयर। तो देख लो जरा पावर अक्रॉस बल्ब लिखोगे तो क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 3/4 का स्क्वायर इंटू 2, तो भी आंसर क्या आ रहा है, 9/8 वॉट। क्लियर है क्या भाई, हेलो। ठीक है क्लियर, स्क्रीन शॉट 13, स्क्रीन शॉट 14 ले लें। समझ में आया नोडल कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज नोडल, स्क्रीन शॉट 15। ठीक है, और अब मैं आ जाता हूं इसके होमवर्क पर। देखो एक तो जरा हमारे पास अब देखो सर्किट्स में से जो चीज बची है, ठीक है ना, जो लेफ्ट है वो एक पार्ट तो आपके पास व्हीट स्टोन, सबने शायद सुना होगा व्हीट स्टोन, और एक आपके पास बची है सिमेट्री सर्किट्स, एक और जो बचे हैं वो बचे हैं सिमेट्री सर्किट्स, बस इतना ही सर्किट बचा है आपके पास। तो इसके क्वेश्चंस अगर कहीं आएंगे तो क्या करेंगे हम, अभी के लिए छोड़ देंगे। तो इसके कोई क्वेश्चंस अगर बाय चांस आते हैं तो लीव, बाकी होमवर्क क्या करना है, होमवर्क क्या करना है दिखा देता हूँ। तो देखो अब तो बहुत कुछ कर चुके हो, देखो जरा एक तो हम कर लेंगे ये सेक्शन ABCDE Part 1 Part 2, सेक्शन ABCDE पूरा कर लें, है ना, मजा आएगा बड़ा। सिमेट्री सर्किट्स को छोड़ते हैं, जैसे कि सिमेट्री सर्किट्स है भी नहीं, गए बहुत ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स कहां तक करोगे वो इंपॉर्टेंट है, ये अब आप कर लें। ये कर लें, अब तक मैंने 27 तक गया था ना, शायद 27 तक गया था, ठीक है 27 तक कर लें एग्जाम्पल्स। 27 के बाद में ये क्या आ रहा है, व्हीट स्टोन छोड़ दें, ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा, देन सिमेट्री छोड़ दें। 27 के बाद में आप आ जाएं 36, 37, ठीक है। तो जो होमवर्क रहेगा और एक्सरसाइज मीन्स ABCDE, ई भी हो गया ना, तो जो होमवर्क रहेगा वो आपके पास क्या है, सो होमवर्क जो है करंट शीट से, देखो ओल्ड वर्क तो जो मैंने दे रखा है वो है ही, ये आपका सारा ओल्ड वर्क,
सब तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है ना। अभी तो ओल्ड वर्क है, उसके अलावा जो है वो आप क्या करेंगे, शीट करंट। अप टू एग्जाम्पल 27 प्लस 36 एंड 37, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 एंड 2 से सेक्शन A2E पूरा कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन A2E एंड देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा क्लास इन दीज 2 डेज, आज शाम को या कल में हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं कोई, ठीक है। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, श्योर नहीं है, मे बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो ओके क्लास, बंद करते हैं इसको फिर। बाय बाय, टेक केयर। फॉर वॉट, क्या बता दूंगा पहले से, वो बता दूंगा, चिंता मत करो। डिस्कशन हो या पढ़ाई हो, कोर्स तो आगे बढ़ानी है ना बेटा। डिस्कशन हो या पढ़ाई हो, कोर्स को तो आगे बढ़ानी है ना, तो दोनों ही केस में पढ़ने वाले बच्चे के लिए फायदेमंद है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगी बस, ठीक है। चलो ओके क्लास, बाय बाय।